लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। लोन देने के दौरान बैंकों का रवैया भले ही ठीक रहता हो, लेकिन लोन की ईएमआई शुरू होने के बाद ग्राहक बैंकों के रवैये से परेशान होने लग जाते हैं। बैंक दरें एवं शुल्क बढ़ा देना इसकी प्रमुख वजह हो सकती है। ऐसे में होम लोन को पोर्ट कराना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको होम लोन पोर्टेबिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं। होम लोन पोर्ट करवाना कभी फायदेमंद भी रहता है, क्योंकि ऐसा करने से होम लोन की ईएमआई का बोझ कम होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बैंकों की अलग अलग ब्याज दरों और अन्य सहूलियतों के कारण होता है। होम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करवाने यानी पोर्ट करवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी गई है। लोन शिफ्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको उस बैंक में आवेदन करना होगा जहां से आपने लोन ले रखा है। आवेदन करने के बाद आपको बैंक एनओसी और एक स्टेटमेंट इशू करेगा। इस स्टेटमेंट में आपके ऊपर लोन की बकाया राशि का विवरण होगा। फिर आप जिस बैंक में लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उस बैंक में एनओसी जमा कराएंगे। इसके बाद वह बैंक लोन की राशि पुराने बैंक को ट्रांसफ़र करेगा और पुराने बैंक में आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका उस बैंक में दिया हुआ पोस्टेड डेटेड चेक यानी पीसीडी, जिसको हम बोलते हैं पीडीसी, और ईसीएस रद्द हो जाएगा। होम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट कराने से पहले आपको उस बैंक की ब्याज दर को भी परखना चाहिए जिसमें आप अपना लोन पोर्ट करवाने जा रहे हैं। संबंधित बैंक व उसके ऑफर से जुड़ी जानकारी बैंक की वेबसाइट से ली जा सकती है। अगर ब्याज दरों में ज़्यादा अंतर ना हो और सेविंग्स भी कम हो तो बेहतर है कि लोन शिफ्ट ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बैंकों की ब्याज दरों में ज़्यादा खास अंतर ना होने से प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज मिलाकर इससे ज़्यादा का खर्चा हो सकता है। लोन शिफ्ट कराने से पहले यह ज़रूर जान लें कि आपको कितना लोन शिफ्ट करवाना है, यानी आपको टोटल आउटफ्लो की गणना करनी होगी। टोटल आउटफ्लो यानी आप जब लोन किसी अन्य बैंक में शिफ्ट करेंगे तो उस बैंक में कितना भुगतान करना होगा। लोन शिफ्ट करते वक्त कुल अमाउंट का भुगतान करना होता है। इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी राशि की बचत होगी। लोन शिफ्ट कराने से पहले जरूर देख लें कि आपको कितना लोन शिफ्ट करवाना है और प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्ज के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प फीस, लीगल चार्ज, वैल्यूएशन फीस आदि के बारे में पता ज़रूर लगाना चाहिए। अधिकांश बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं और उसी के तहत अन्य चार्जों को शामिल करते हैं। लोन शिफ्टिंग से पहले आपके लिए जानना भी जरूरी है कि लोन शिफ्ट करने से पहले बैंक ग्राहकों से पेनल्टी भी मांगते हैं। यानी आप लोन की अवधि पूरा होने से पहले लोन शिफ्ट करवाते हैं तो बैंक आपसे बैंक फ्री पेनल्टी चार्ज वसूल कर सकते हैं। यह चार्ज लोन राशि का 2% तक हो सकता है। अगर आपने अपने मौजूदा बैंक को लोन की आधे से ज़्यादा राशि चुका दी है तो लोन को शिफ्ट करवाना बेहतर फैसला नहीं होता है। केवल उस स्थिति में आपको लोन शिफ्ट करवाना चाहिए जब लोन का कार्यकाल बहुत लंबा हो और लोन अमाउंट 60-70% तक देना बाकी हो। वहीं अगर लोन अमाउंट 20-25% बचा हो तो लोन शिफ्ट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में ये पता लगा होगा कि होम लोन शिफ्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर करवाना चाहिए तो कैसे करवाना चाहिए और उसकी प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में।